मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी काए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी काए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजू जहाँ में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। परमात्मा याद श्वास बन जाए और हृदय के आंगन में वर्षा की तरह बरसे। मन के मधुबन में भगवान निवास करे, परमात्मा राज्य हृदय में स्थापित हो जाए, आत्मा उस प्यार में खो जाए, उसकी यादों में। ये हाईएस्ट स्टेज है, प्रभु प्रेम का ये स्टेशन सर्वोच्च स्टेशन है, अध्यात्म का
क्योंकि ये आने के बाद बाकी सभी प्राप्तियां सहज स्वतः आने लगती है। अवध के अंतिम नवाब लखनऊ के एक अंतिम नवाब थे, the 11th and the last नवाब of अवध, वाजी अली शाह। उसके लिए गायन है कि वो संगीत प्रेमी था, कला का प्रेमी था, पेट्रन ऑफ आर्ट, और लखनऊ की जो नगरी थी कला की नगरी थी उस समय, संगीतकारों की नगरी थी, आर्टिस्ट्स पेंटर्स की नगरी थी। उसे आदत थी संगीतकारों को बुलाना, नए नए लोगों को बुलाना, संगीत नृत्य ड्रामा यही सब उसके शौक थे। और एक संगीतकार था जिसे कई बार बुलाने के बाद भी वो आया नहीं था, तो वाजिद अली ने कई बार निमंत्रण भेजे पर वो नहीं आया। और वो एक ऐसा संगीतकार था सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट, परंतु वो आया नहीं वाजिद अली के दरबार में। पर बहुत आग्रह करने के बाद जब उस संगीतकार को बुलाया गया तो उस संगीतकार ने कहा कि मेरी कुछ शर्त है, और वो शर्त ये है कि जब मैं संगीत बजाना चालू करूंगा तो कोई भी गर्दन हिलनी नहीं चाहिए, कोई भी गर्दन ऐसे ऐसे संगीत में हिलती है, अगर किसी ने भी गर्दन हिलाई तो तलवार से उसकी गर्दन काट दी जाए। यह अजीब और गरीब शर्त थी, पर वाजिब अली भी अपने हिसाब का एक सनकी सा अलग ही व्यक्तित्व था। दिन भर सोते रहता था, रात भर जागते रहता था, रात भर संगीत की महफिल रंगती थी। वाजिद अली ने कहा ठीक है, निमंत्रण भेज दिया गया। वाजिद अली को लगा नहीं कि इतने लोग आएंगे, फिर भी कुछ 300-400 लोग, उससे भी ज्यादा आ गए उस रात उस संगीतज्ञ का संगीत सुनने के लिए। जरूर वो लोग होंगे जिन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं, पर वो संगीत के प्रेमी है, और वो सारे लोग आ गए। और वो संगीतकार आया, उसने अपना सितार बजाना चालू किया, और सारे लोग जो सभा में उपस्थित थे उनके पास एक एक सैनिक तैनात हो गया नंगी तलवार लेकर, अगर सिर हिलाया तो काट दिए जाएंगे। संगीत चालू हुआ, संगीत आगे बढ़ता गया, संगीत मंत्र मुग्ध करने वाला था, ऐसा संगीत था वो जो किसी ने कभी सुना नहीं। फिर भी लोग बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन को संभाले हुए थे, परंतु जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ा उसमें से कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपनी गर्दन हिलाना चालू कर दी, डोलने लगे, डूबने लगे संगीत में। तो जैसे ही वो सैनिकों ने तलवार निकाली, संगीतज्ञ ने कहा कि अभी नहीं, एक साथ सबको खत्म करेंगे, अभी संगीत को खत्म होने दो। संगीत आगे बढ़ा, संगीत खत्म हुआ, और ऐसे 100 लोग थे जिनको चुना गया जिन्होंने अपनी गर्दन हिलाई, अब वो मरने के लिए तैयार। इतनी शर्त होने के बाद में भी इतनी, तो ये जरूर वो लोग होंगे जिनको अपने जान की भी परवाह नहीं है। आज वो संगीतज्ञ ने कहा कि यही वो रियल लोग हैं जो संगीत प्रेमी हैं, जिन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, और अब आधी रात बाकी है, मैं संगीत अपना केवल इन लोगों के लिए बचाऊंगा, बाकी सब आउट। यही वो लोग हैं
जिनको पता था हम मर जाएंगे, फिर भी पहले तो आए, उसके बाद में बैठे और उसके बाद में डोलने भी लगे। और फिर उस संगीतज्ञ ने केवल इन 100 लोगों के लिए संगीत बजाया, और वो बजाते बजाते सुबह हो गई, और सुबह होते होते वो सारे 100 के 100 लोग ऐसे डूब गए। कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, उन्हें ही पता नहीं देहभान से परे चले गए सब के सब। ये वो कैटेगरी है लोगों की, संगीत और वो एक हो गए। म्यूजिक म्यूजिक नहीं रहा, जो इतने खो गए, इतने डूब गए, इतने मगन हो गए। इस मुरली में बाबा ने 3 कैटेगरी की आत्माओं के बारे में चर्चा की है। पहले वो जो बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं, पहली वो आत्माएं जो बाप समान बनने वाली, दूसरी कैटेगरी केवल संबंध में आएगी, और तीसरी केवल संपर्क में आएगी। ये जो आत्माएं हैं संबंध और संपर्क की, इनसे तुम ज्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते। वो रेगुलर स्टूडेंट बन जाए, ये भी अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है। वो धारणाओं पर चले, ये भी अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। वो लॉ को फॉलो करे, ये भी अपेक्षा नहीं रख सकते इनसे, क्योंकि ये आत्माएं जो आ रही है वो कमजोर आत्माएं हैं। इस यज्ञ में कोई शक्तिशाली आत्माएं नहीं आ रही है। कौन आ रही है? कमजोर आत्माएं, 84 जन्म जिनके हो चुके हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्लास में रेगुलर आए, अमृत वेला रेगुलर करोगे? लॉ नहीं चाहिए उनको, उन्हें विधि सिखाओगे? दूसरी मुरली वो विधि नहीं चाहती, सिद्धि चाहती है सीधा। इस तरीके से ये करो, मेथड्स मेथडोलॉजी ये सब नहीं चाहिए, थियोरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए चमत्कार, उन्हें चाहिए मिराकल्स, उन्हें चाहिए प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन। तो ये 3 कैटेगरी आएगी आत्माओं की, और जो जो आत्माएं अभी आएगी वो सभी कैसी है? बहुत बहुत वीक, बहुत बहुत कमजोर, जो धारणाएं नहीं कर सकेगी, धारणाओं पर चल नहीं सकेगी, ऐसी वीक सोल्स की प्रवेशता यज्ञ में होगी। कब कहा ये? 1975 में, मतलब 75 के बाद में आने वाली आत्मा है। जन्म लेने वाली नहीं, ज्ञान में आने वाली। हाँ, पर वो फर्स्ट कैटेगरी वाली रहेगी, पर कम, जो बाप समान, जो तपस्वी आत्माएं होगी। तपस्या की अलग अलग मुरलियों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। किसी मुरली में बाबा ने कहा है तपस्या अर्थात लगन में मगन, किसी मुरली में कहा है तपस्या अर्थात परिवर्तन, किसी मुरली में कहा है तपस्या अर्थात एक दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाना, किसी मुरली में कहा है तपस्या अर्थात ज्वालामुखी योग, किसी मुरली में कहा है तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। ये स्मृति रहे, अभी अभी संडे जो मुरली चली, स्मृति एक ही स्मृति, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार। तपस्या तपस्या तपस्या, अलग अलग मुरलियों में अलग अलग परिभाषा है। बाबा हमारा वो तपस्वी रूप देखना चाहता है, निरंतर तपस्या, तपस्या की अग्नि जलती ही रहे, क्योंकि वर्तमान समय आत्माएं कैसी है? बहुत कमजोर। ये 4 प्रकार की चिंताओं की, चिंताओं का वर्णन इस मुरली में है। वरीज, टेंशंस, और तुम ब्राह्मण आत्माएं भी इनके प्रभाव में आ सकती है। ऐसा नहीं समझना कि तुम इनके प्रभाव में नहीं आएंगे। जैसे योद्धा होता है, मुरली की शुरुआत दूसरी मुरली, तुम्हें भी क्या होना है? योग युक्त, युक्ति युक्त। जैसे कोई योद्धा होता है, युद्ध के मैदान में जाता है, तो अटेंशन किस पे रहता है? शस्त्र, ये तुम्हारे शस्त्र है,
तुम भी युद्ध के मैदान में जा रहे हो, यू आर एट वॉर विथ माया, और यहां का वातावरण तुम्हें भी प्रभावित करेगा। विघ्नों के लिए बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि विघ्न नहीं आएंगे, या ये भी नहीं कहा है कि शायद आएंगे या हो सकता है आएंगे। क्या कहा है विघ्नों के लिए? आएंगे जरूर, ये कहा है। ये तो कहा ही नहीं कि कम आएंगे, और ज्यादा आएंगे, और आएंगे जरूर, ये कहा है। तो इस मुरली में चार प्रकार के टेंशन। पहला प्रकृति, प्रकृति की छोटी छोटी आपदाएं आएगी, अतिवृष्टि, कभी अकाल, सूखा, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, जैसे अब चल रही है, सूरज नहीं है कहीं, केवल बारिश बारिश बारिश, घूमना फिरना बंद। ऐसे बारिश के मौसम में ब्राह्मण कहते हैं उठने की भी इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है अच्छे से सोते रहो। तो कभी बारिश, कभी तेज आंधी, कभी तूफान, प्रकृति की के टेंशन वरीज आएगी। दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से कड़े लॉ, नए नए लॉस, नए नए रूल्स, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जैसे कोविड में बाहर नहीं जाना। तीसरा व्यवहार में टेंशन। चौथा लौकिक संबंध, उसमें भय रहेगा, प्रेम नहीं, भय, संबंधों में भय, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, डिस्टर्बेंसेस, अतृप्ति, असंतुष्टता। संबंधों में स्वार्थ, विषय, संबंधों में निस्वार्थता अमृत है। हर व्यक्ति स्वार्थी है, और जहां बाबा हमको इन मुरलियों में कह रहा है तुम अपने लिए नहीं औरों के लिए जियो, क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी है। इसी मुरली में कहा है अब योग के प्रोग्राम्स बनाओ, मधुबन से ऑफिशियल प्रोग्राम्स जाए सेंटर पर, मधुबन लाइट हाउस है, इस तरह की दृष्टि से आत्माएं देखे, नए नए प्रोग्राम्स, योग का बल, याद की यात्रा, इन सब चीजों की आवश्यकता है। संगठन, संगठित योग, ऑफिशियल प्रोग्राम्स, ये 75 में बाबा कह रहे हैं। इसी मुरली में कहा एक पर्दे के अंदर की सफलता, पर्दे के बाहर की सफलता, वो तो बहुत है, पर हो या ना हो, सेवा तो बढ़नी है। पास विद ऑनर सभी सब्जेक्ट्स में होना है, ये टेंशन कम नहीं होगा, टेंशन और बढ़ेगा, समस्याएं और बढ़ेगी, पर तुम्हें अभी क्या करना है, योग के नए नए प्रोग्राम्स बनाने हैं, बीच बीच में जब समय मिले एक बाहर जाए, एक प्रोग्राम बनाए, बाहर सफलता हो रही है, अंदर भी प्रोग्राम्स चलते रहे। जैसे यज्ञ में उदाहरण है, जब ढोलपुर हाउस में थे पीछे, पांडवन के पीछे जो, और नोटिस आ गई थी गवर्नमेंट से एक हफ्ते में खाली करो, मम्मा थी, बाबा थे नहीं, मुंबई में थे, उस समय क्या किया था मम्मा ने, योग की प्रोटी, योग के प्रोग्राम्स, ऐसे नहीं कि खाली योग ही करते रहे। यज्ञ के कुछ जो भाई थे, जगदीश भाई, बाकी उन सब ने प्रयत्न चालू कर दिए, परंतु योग की अखंड भट्टी, अखंड, जैसे कोई तेल ऊपर से गिर रहा है, तेल की धारा कैसी होती है नीचे गिरते समय, अखंड,
वैसी भगत पट्टी चली और फिर गवर्नमेंट ने एक मास का समय दे दिया। फिर उसी समय पांडव भवन मिला। तो मम्मा ने क्या किया? संकल्प की शक्ति, योग की शक्ति, वातावरण वायुमंडल को बनाया और यही वायुमंडल, यही वातावरण सब कुछ बदलेगा। यही सबसे बड़ी शक्ति है। ब्लेम नहीं किया, इसने ये किया, उसने वो किया, मेरे साथ ऐसा करते, मेरे साथ वैसा करते, हमारे साथ ऐसा क्यों करते, ये अन्याय है। ये सब क्या करता है? निगेटिव एटमॉस्फियर क्रिएट करता है। और जो मन में संकल्प होते हैं, वैसे ही संकल्प उन आत्माओं तक भी पहुंचते जिनके प्रति हमारे संकल्प चल रहे। तो यज्ञ का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है योग की शक्ति का। बैठ के अखंड योग, इसका अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन, खबरदार, कैसे कैसे, होशियार, ये सब शब्द आए हैं। जैसे उनका अटेंशन रहता है, यहां अटेंशन। बाबा कहा और योग लगा। अब ऐसा कुछ करो। कल हमने चार प्रकार की भट्टी देखी थी, एक ज्ञान की, एक योग की, धारणाओं की और सेवाओं की। योग की भट्टी सबसे पावरफुल है। कुछ समय पहले जो भट्टियां चली थी, कुछ सालों पहले, उसमें हम लोगों ने याद के प्रकार निकाले थे। उसमें तो बहुत सारे थे, 60-70 से भी ज्यादा प्रकार याद के। वो याद के प्रकार थे, आज हम लेंगे योग के प्रकार जो हमें रोज करने हैं और रोज होते रहे, क्योंकि योग के बहुत सारे स्टेशंस हैं। एक ही योग लंबा समय हम करते रहेंगे तो बोर हो जाता है। क्या चाहिए? वैरायटी, नए नए प्रकार, कभी कुछ कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। वो हर चीज हमें देहभान से जो ऊपर रखती है वो योग है। और योग अर्थात हम कहीं से नहीं सीखते, ना किसी मुरली से, ना किसी वाक्य से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी कमेंट्री से, ना किसी क्लास से। योग हर व्यक्ति, हर आत्मा अपने अनुभव से ही सीखती है। जैसे जैसे इस जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, योग के नए आयाम खुलते जाएंगे, नए रहस्य। तो कुछ योग आज हम लेंगे दृष्टि, जिसमें हम क्या करेंगे, बाबा से केवल दृष्टि ले रहे हैं। शक्तियों की किरणें आ रही है, प्यूरिटी की किरणें आ रही है, उसकी दृष्टि मुझे निहाल कर रही है, भरपूर कर रही है। दृष्टि योग, उसकी दृष्टि में सब कुछ समाया हुआ है, सारा जहां समाया हुआ है, केवल उसको देखना। उन आंखों से कौन झांक रहा है, उन झरोगे से कौन झांक रहा है? स्वयं भगवान उन नैनों से देख रहा है, चाहे ब्रह्मा या दादी, भगवान के ये दो रथ। तो दृष्टि लेते रहना, उस दृष्टि में प्यूरिटी है। प्यूरिटी का सागर उन वातायनों से झांक रहा है, देख रहा है, वर्षा हो रही है उन नैनों से। तो ये योग है। हम कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, निशब्द योग है। केवल क्या कर रहे हैं? दृष्टि, द शावर ऑफ दृष्टि, दृष्टि से शावर आ रहा है, पूरी आत्मा भीग रही है, अंग अंग प्रभु प्रेम में, परमात्मा शक्ति में डूब रहा है। ये भी संगीत ही है एक। डोलना चालू कर दो, चांद की परवाह किए बिना।
दूसरा रूरियान, उससे बातें कर रहे, उससे शेयर कर रहे, उसे बता रहे, उसे पूछ रहे, मन में जो गहराई में छिपा रखा है, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई उदासी, कोई निराशा, उसे सुना रहे, बयां कर रहे उसके सामने। दिल की दवात में कलम डुबो के बाबा तुझे एक खत लिखता। हाले दिल सब सच लिखता हूं। टॉक विथ हिम, राइट टू हिम, अ लेटर टू गॉड। गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट आर, भगवान की सबसे बड़ी सौगात है अनआंसर्ड प्रेयर्स, अनउत्तरित प्रश्न, खत। हमने खत तो लिख दिया और उसने उत्तर नहीं दिया, ये क्या है उसकी सौगात, सबसे बड़ी सौगात। मतलब वो बोल नहीं रहा है, वो चुप है, अर्थात कुछ तो रहस्य है, अर्थात हो सकता है वो मंद मंद मुस्कार मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तुम मांग रहे हो क्या, वो देना क्या चाहता है। उसे हंसी आ रही है, एक राजा एक राज्य में खो गया, उसके शर्ट की बटन निकल गई, उसने छोटा गांव है पूछा कि कोई दर्जी है क्या, कोई टेलर, सैनिक एक टेलर को पकड़ के ले आए, राजा ने कहा मेरा ये बटन खो गया है, धागा भी है, खाली सी दो, उसने सिला के दे दिया। राजा ने पूछा कितने पैसे हुए, दर्जी सोचने लगा कितने मांगू, पहले उसने सोचा राजा है ज्यादा मांगता हूं 10 रुपए, फिर सोचा कि राजा सोचेगा मेरे से ही 10 रुपए मांगता है तो लोगों को तो ठगता होगा, फिर उसने कहा नहीं नहीं बहुत हो गया, फिर कहा उसने नहीं 2 रुपए मांगता हूं, फिर सोचने लगा 2 रुपए, राजा का ही धागा था, सुई भी उसकी थी, मैंने तो खाली सिलाया, उसके 2 रुपए, फिर सोचा कि नहीं नहीं मैं फ्री में दे देता हूं, पर फ्री में मैं मूर्ख हूं क्या। फिर उसने कह दिया आपको जो पसंद है वो दे दो, किसके खाली बटन टाकने के, तो राजा तो अब राजा है, अब राजा की इज्जत का सवाल है, राजा ने कहा इसको 2 गांव दे दो। वो सोच रहा था 2 रुपए, और यहां कौन है, पूरी सृष्टि का मालिक है, और तुम मांग रहे हो 2 रुपए, वो तुम्हें 2 गांव देने की सोच रहा है मनी मन, उसे भी अंदर हंसी आ रही होगी, ये मांग क्या रहे है। उस समय वो चुप है जब तुम मांग रहे हो, क्योंकि तुम मांग रहे हो मूर्खता भरी बातें, वो तुम्हें कुछ और देने की सोच रहा है, वो तुम्हें तो बलवान शक्तिशाली बनाना चाहता है, ये जो हार हुई है, ये जो असफलता आई है, ये तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहती है, कमजोर नहीं। वो चाहता है कि तुम इस हार से गुजरो, क्योंकि ये हार तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, इस निंदा से तुम गुजरो, इन परिस्थितियों से तुम गुजरो। जब ब्रह्मा को गुजरना पड़ा इतनी परिस्थितियों थे, लोगों ने कितनी गालियां दी, अखबारों ने कितनी गालियां दी, सरकार ने कितनी गालियां दी, कितनी निंदा की, और निंदा चालू ही थी जबकि उसको पता था ये मेरा कार्य नहीं, फिर भी लोगों ने छोड़ा नहीं, आक्रमण किए, प्राण घातक आक्रमण किए। ये सारी चर्चा हम अभिनव क्रांति में कर चुके हैं, 108 दिन की जो भट्टी चली थी, यज्ञ का संपूर्ण इतिहास जो यहां हम सब ने सुना था, चर्चा की थी गहराई से, एक एक साल की चर्चा की थी, 36 में क्या हुआ, 37 में क्या हुआ, 38 में, 39 में, 40 में, 41 में, 42 में, ब्रह्मा कुमारी नाम कब पड़ा, ओम शांति ये शब्द कब आया, ये नियम कब बने, ये कोर्स कैसे बना, एक 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 एक
सब कुछ, पीयू का पार्ट, टेप किसने लाया, पहला गीत कौन सा था, उस 108 दिन की अभिनव क्रांति वाली भट्टी में बहुत बहुत डिटेल और गहराई में हर बात हमने देखी। तो यज्ञ में ऐसे कितने उदाहरण है। तीसरा, यात्रा वाला योग, यहां से सूक्ष्म वतन परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन की यात्रा, कभी परम धाम की यात्रा, ये भी योग का ही प्रकार है। सूक्ष्म वतन में है, क्या करो सूक्ष्म वतन में, संडे की मुरली पहाड़ पर बैठो, बगीचे में घूमो, सागर की लहराओ, लहरों में लहराओ। सूक्ष्म वतन में सीन वन, ब्रह्मा क्या कह रहा है, शाबाश बच्चे शाबाश, ब्रह्मा क्या कह रहा है, वाह बच्चे वाह, और बच्चों की आंखों से क्या, गंगा जमुना और डैश मोती या सरस्वती, मोती सरस्वती अश्रु अश्वन मोती या कुछ भी नहीं, सेंटेंस वहीं पूरा हो रहा है बस। उतना ही था। तो ये यात्रा करना है, सूक्ष्म वतन की यात्रा, कभी परमधाम की यात्रा, परमधाम में चक्कर लगाओ, देखो कैसा है वो, एक्चुअल विजुअलाइज करो उसको, सीट, ये परमधाम पहुंचे, ये गेट है, सोचो एक इमेजिनरी गेट है, फिर परमधाम में एंट्री किया, आत्माएं हैं, खड़ी है बैठी है, लटकी है, टांग रही है, कहां जाओगे, ऊपर या नीचे, ऊपर ऊपर जाओगे शिव बाबा के पास, शिव बाबा किधर है, नीचे से जा रहे है? कैसा है वो धरती, सूक्ष्म वतन, परम धाम, ऐसा ही है ना, हम परम धाम के ऊपर, परम धाम के ऊपर क्या है, सूक्ष्म वतन, परम धाम के ऊपर, परम धाम के ऊपर, साकार वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम शिव बाबा, ऐसे कैसे, कुछ नहीं, उसके ऊपर क्या है, वही तो पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो डायग्राम ही गलत है, ये डायग्राम ऐसा है ही नहीं जो हम ग्रुप बुक्स में दिखाते हैं, धरती सूक्ष्म वतन परम धाम, ये ऐसा है ही नहीं, ऐसा थोड़ी डायग्राम होता है। टीचर ने पूछा स्कूल में, धरती गिरती क्यों नहीं, व्हाई डज नॉट अर्थ फॉल, एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया, बोला वेयर इट शैल फॉल, वो कहां गिरेगी, स्पेस ही स्पेस है, परम धाम ऐसा थोड़ी ना है, परम धाम का रियल डायग्राम कौन सा है, सर्कल, ये ऐसा है, ये है स्थूल वतन, साकार वतन, यहां सूक्ष्म वतन, और यहां परम धाम, सेंटर पॉइंट है शिव बाबा, ये इसका ये क्रॉस सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहां हम हैं, इसलिए ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं होता है, परम धाम ऊपर कहां है, ऊपर थोड़ी है, यहां सूक्ष्म वतन, और आगे जाओ परम धाम, इधर सेंटर पॉइंट, अर्थात ये जो हम दिखाते हैं परम धाम, यहां आत्मा है, यहां शिव बाबा, शिव बाबा के ऊपर भी आत्माएं हैं, वो कहीं ऊपर नीचे थोड़ी ना है, वो बीच में है, आगे पीछे उधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ी ना है, वो स्पेस है, पोलार ही पोलार, साकार मुरली, ऐसे एक दो डायग्राम है परम धाम के जिसमें शिव बाबा दिखाए और ऊपर भी आत्माएं दिखाई है, देखे ये डायग्राम स्पार्क में है, वहां एंड थोड़ी ना होता है, अगर वो एंड हो गया तो प्रश्न ये होता है परम धाम के ऊपर क्या है, फिर शिव बाबा के ऊपर क्या, ऊपर कहां है, वो ही बीच में है, बीच भी कहां, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं है स्पेस में, बच्ची ने कहा वेयर इट शैल फॉल, और गिरेगी कहां, पोलार ही पोलार, उसी तरह ये तो कट सेक्शन है जो लिया है टुकड़ा, यहां से इतना काटो तो ये दिखेगा ना, धरती सूक्ष्मतन परम धाम, ये कट सेक्शन है, यहां तो
सर्वत्र आत्माएं हैं, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे भी नहीं बोल सकते, ईस्ट वेस्ट वो तो दिशा है, तो यहां है धरती की है, वो ऊपर थोड़ी दिशा है ना। सेक्शंस तो हाँ इधर कर लो, बनाओ इधर सेक्शंस अलग अलग, कितने भी बना सकते हो ऊपर नीचे। ये अगर शिव बाबा है यहाँ, तो इधर अलग अलग, इधर 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 इधर, किधर भी सेक्शन बना। दूसरा प्रश्न है जानवर कहाँ है, हाथी घोड़ शेरा, शेर इनकी हाथ में, हो सकता है यही जहाँ ये मनुष्य का परम धाम खत्म हो रहा है उधर जानवरों का परम धाम, वो भी तो है कि वो यही है होगा। बाबा से पूछोगे तो बाप कहेंगे मैं मनुष्यों को बताने आया हूं, तुम बाप आत्मा समझ बाप को याद करो, इन सब बातों में मत जाओ। विजुअल देखा तो किसी ने नहीं बताया है उसने, हाँ जिन्होंने साक्षात्कार के द्वारा देखा वो देखा, और आत्माएं हैं जिन्होंने परम धाम को देखा है। आत्मा को सात प्रकार के साक्षात्कार की आश होती है, कौन से, ये दूसरा प्रश्न है। एक तो आत्मा को देख लो, ठीक है, कि आत्मा दिख जाए, दूसरा परमात्मा दिख जाए, तीसरा परम धाम दिख जाए, ठीक है, चौथा सतयुग का साक्षात्कार करा दो, चौथा कि मुझे सतयुग दिख जाए, पांचवा अब तक कितने जन्म लिए हैं मेरे अपने वो सारे मुझे दिख जाए, और छठवा और सातवा आप बताएंगे कल। ये सात साक्षात्कार है जिसकी चाहना आश आत्मा को रहती है। तो तीसरी प्रकार की, तीसरे प्रकार का योग कौन सा है, यात्रा योग। फिर है बीज रूप, सीड स्टेज, परमधाम वाला, और सबसे पावरफुल इन सभी योगों में, वास्तव में योग ये एक ही है, ये सब तो उसकी पौड़िया, उसकी सीढ़िया है, सोपान है वहां तक पहुंचाने वाली। बीज रूप निर्संकल्प भक्ति मार्ग में दो प्रकार की समाधि है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सविकल्प अर्थात जिसमें विचार चल रहे, निर्विकल्प अर्थात कोई विचार नहीं। सबीज निर्बीज, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, ये सब सबीज समाधि है, वो निर्बीज समाधि है, निर्बीज निर्विकल्प निर्ग्रंथ अवस्था, हाईएस्ट स्टेज, जहां पर कोई विचार नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, केवल एक अवस्था में खो गई है चेतना, बीज बीज में समा गई है, उसमें डूब गई है, उसमें क्या बात करे, उससे बात करने का है ही नहीं कुछ। अगले पांच स्वरूपों का अभ्यास, ये भी योग का एक प्रकार है, परमधाम, सतयुग, द्वापर, संगम, फरिश्ता, पांच स्वरूप, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, निराकारी निर्विकारी निराकारी निराकारी निर्विकारी निरंकारी नहीं, पूज्य, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ये सारा। उसके बाद में सकाश वाला योग, जिसमें हम सकाश दे रहे, उस दिन भी कहा था पांच 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 पांच, अमृत वेले की चेकलिस्ट बकेट लिस्ट में ये कंपलसरी है, उसके सिवा अमृत वेला पूरा नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी चेकलिस्ट है, सबसे पहले पांच प्रकार की आत्माएं नहीं, पहले पांच इंद्रियों को सकाश, अपने शरीर को, सबसे पहला सकाश मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें इन इंद्रियों को जा रही है, पांच इंद्रियों को सकाश, एक, दूसरा पांच तत्वों को सकाश, ऊपर दो नीचे तीन, आकाश को सकाश, हवा को सकाश, फिर धरती अग्नि जल, ऊपर दो नीचे तीन, पांच तत्वों को, फिर पांच खंडों को, यूरोप अमेरिका अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया, फिर पांच महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर, दक्षिण महासागर, पांच महासागर को सकाश, पांच प्रकार की आत्माओं को सकाश, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, भटकती आत्माएं और प्यासी आत्माएं, अतृप्त आत्माएं,
पांच प्रकार की आत्माओं को सकाश, ये रोज काम करने हैं, ये लिख के रखना है और रोज ये होना चाहिए अमृत वेला, उसके सिवा अमृत वेला पूरा ना होना चाहिए। और ये सारा करने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 मिनट के अंदर, लास्ट में योग जब पूरा हो रहा है तब। फिर 5 स्थान मधुबन के, मधुबन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क म्यूजियम साथ, हॉस्पिटल और पूरा शांतिवन, 5वां। शांतिवन में सब कुछ, और अभी तो उसका इतना विस्तार है, शांतिवन, मन मोहिनी, आनंद, आनंद सरोवर, मान सरोवर, सोलार, तपोवन, प्रोपियम पार्क, वो ट्रॉमा, वो शिवमणि, वो आरोग्यवन, वो आरोग्यवन, गुलजार उपवन, कितने सारे हैं, वो सब एक में। फिर 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, कौन सी 5 प्रकार है ब्राह्मण आत्माओं के? पहले तो ब्रह्मा कुमार, फिर कुमारिया, फिर माताएं, फिर अधर कुमार, टीचर्स, ये 5 आत्माएं, इनको भी सकाश, प्यूरिटी की किरणें। फिर 5 सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, और एक मुरली में है जिसने बाबा ने 5ों सत्ता गिनाई है, वो नहीं जो आपने जिस पर अभी टेस्ट दी, प्रजा सत्ता और भक्ति सत्ता। वो प्रजा, भक्ति और धर्म तो एक ही है, वैसे अगर देखे तो भक्ति की सत्ता और धर्म की सत्ता एक ही है, पर उसमें अलग अलग दिया था। और कैसे हो गई ये सारी सत्ता है? डैश और डैश, खोखली और शक्तिहीन, एग्जाम दी ना अभी अभी। चौथी, 3 सत्ता, 5, 4थी सत्ता है प्रकृति की सत्ता, और 5वीं सत्ता है लौकिक ज्ञान की सत्ता। ये एक मुरली में आया है ना, याद है ना, लौकिक ज्ञान की सत्ता, शास्त्र धर्म में आ गया, शास्त्र धर्म में, लौकिक ज्ञान, ये सब मुरली में आया है। संसार में जो भी ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, तो ये 5 सत्ताओं को सकाश, विज्ञान सत्ता, प्रकृति की सत्ता, लौकिक ज्ञान की, प्रकृति में पशु पक्षी प्राणी सब। तो ये चेकलिस्ट है सुबह की, फटाफट फटाफट सबको सकाश, जितने भालू है, चीते हैं, हॉस्पिटल में एक भाई एडमिट है जिसका भालू के साथ लड़ाई हो गई, सुबह सुबह वो और उसका बेटा वो जंगल में थे, और पहले एक भालू ने आक्रमण किया, फिर दूसरे भालू ने आक्रमण किया, उसने अपने बेटे को घर भेज दिया, भगा दिया, और भालू से सामना किया, यहां दबा के रखा एक भालू को, फिर इधर एडमिट है, अभी भी है, पूरा यहां से काटा भालू ने उसको, यहां से काटा, 15-20 मिनट तक अकेला लड़ता रहा एकदम हिम्मत के साथ। एक भालू को तो फिर उखड़ उठा के फेंक दिया उसने भालू से। तो ये सब होते रहता है संसार में, लोकली यहाँ कहीं, तो सबको, तो सकाश, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर ये काम होते रहना चाहिए, आत्माओं को, 5 सत्ताओं को, सब 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 जितना आता है। और फिर इसके अलावा कोई विशेष आत्मा अगर है उसको भी, जिसको आपको लगता है, परंतु सकाश का रूल नंबर 1 डिटैचमेंट, वैराग के साथ सकाश जानी चाहिए। अगर माँ अपने बेटी को सकाश दे रही है, ये ब्रह्मा कुमारी बन जाए बन जाए बन जाए बन जाए, वो नहीं जाती है, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि इतनी अटैचमेंट, इतना मोह, उसमें सकाश नहीं पहुंचती है। सकाश के लिए क्राइटेरिया है बेहद का वैराग, बिना बेहद के वैराग के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती, इन्वर्टेड कॉमा अव्यक्त महावाक्य बाबा के। तो सकाश, उसके बाद में फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप में जो करना है करो। उस दिन था ना मुरली में, अकाउंट्स का काम तुम बिंदु रूप में नहीं कर सकते, पर फरिश्ता रूप में कर सकते हो, ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता स्वरूप से प्यार, फरिश्ता स्टेज से प्यार, चलते फिरते उठते बैठते, और फरिश्ता अर्थात एक ही बात, हल्कापन, हर चीज में हल्का, संकल्पों में, अच्छा ये हो गया, वो हो गया, ठीक है हो गया, ठीक है हो गया, कर्मों में हल्कापन, बोल में हल्कापन, अच्छा ये हो गया वो हो गया, कितने भारी हो जाते, तुमने, तुम्हारे बारे में उसने ये कहा, तुम्हारी निंदा की, एकदम भारी टेंशन,
क्यों कहा? मैं तो ऐसा हूं नहीं, फिर भी ऐसा क्यों कहा? हल्का, अगला कर्मयोग, कर्म करते हुए योग। अगला ज्ञान, ये जो चल रहा है अभी, ज्ञान की भट्टी, ज्ञान की चर्चा, भगवान के महावाक्यों को पढ़ना सुनाना, ये भी योग ही है। भगवान के वाक्य और भगवान एक ही है दोनों। उससे प्यार करना ये कैसे माना जाएगा? वो माना जाएगा उसने जो कहा है उससे प्यार है, अर्थात उससे कहने उसने उससे उसने कही हुई बातें और वो एक ही है। फिर उसके बाद में ज्ञान योग, उसके बाद में प्रेम, प्रेम में खो जाना, डूब जाना, अश्रु बह रहे हैं, कुछ कह नहीं रहा है व्यक्ति, परंतु प्रेम में डूबा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु साउथ में गए, उन्होंने देखा वो प्रवचन चालू है और एक व्यक्ति रो रहा है, वो कोई दूसरी भाषा में चालू है, तेलुगु वगैरह, गीता, गीता पर प्रवचन चल रहा है, एक गांव का व्यक्ति बैठ के रो रहा है। अब उसको तेलुगु समझ में नहीं आती है, चैतन्य महाप्रभु पूछते, वो तो हिंदी हिंदी साइड वाला है, उसको पूछते तुम रो क्यों रहे हो? वो कहते मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमको समझता है क्या भाषा? वो कहते मुझे नहीं समझ रहा, पर इतना जरूर दिख रहा है रथ है, श्री कृष्ण बैठे खड़े हैं और अर्जुन नीचे हो, उनको गीता सुना रहा है, ये देख कर ही मुझे आंसू आ रहे, इतना काफी है प्रभु प्रेम के लिए, उसमें बहुत ज्यादा शब्द नहीं चाहिए, प्रेम है वो, उसमें शब्दों का क्या काम? सर्वोच्च अवस्था है चेतना की प्रेम। इस दूसरी मुरली में बाबा ने कहा प्रेम स्वरूप, लॉ नहीं चाहिए उनको, लव चाहिए, विधि नहीं चाहिए उनको, सिद्धि चाहिए। सिद्धि स्वरूप आत्मा है, कमजोर है, तुम सिद्धि स्वरूप बनो। अगला, सर्व संबंधों से, तुम ये भी हो तुम वो भी हो, वो वाला नहीं बाप टीचर सदगुरु हो, चलो आगे, बाबा तुम बाप हो टीचर हो सदगुरु नेक्स्ट ये वाला नहीं, संबंध बना दो उसको, संबंधी बना दो, दोस्त है तो दोस्त, खुदा दोस्त, खुदा दोस्त है ना, तो दोस्त की तरह रहो, फिर उसको दिन भर उसी दोस्त की तरह याद करो। अगला, समर्पण योग, सब कुछ सौंप दिया है, ये भी योग है। समर्पण की अवस्था, समर्पण किसी स्थान का नाम नहीं है, किसी बैच का, किसी वस्त्र का या किसी समारोह का नाम नहीं है, समर्पण स्थिति का नाम है, इट्स द नेम ऑफ द स्टेज, स्थिति का नाम है समर्पण, समर्पित, ये नाम किसी व्यक्ति का नहीं है, स्थिति का नाम है वो। फिर विरह योग, बिछोह योग, ये क्या होता है? विरह, तड़प, आग, बिछोह, हिंदी में कहते हैं बिछोह, द योगा ऑफ सेपरेशन, इंटेंस पेन हो रहा है, बिछड़ रहे हैं हम उससे, कब मिले, बांधेलियों का योग, इन सब में ये दो सबसे शक्तिशाली है, बीज रूप और बीज विरह योग, बिछड़े हुए हैं, कब मिलू कब मिलू कब मिलू, प्यास लगी है प्रभु की, प्यास है। जैसे कोई कामी व्यक्ति को स्त्री के देह का प्रेम, किसी लोभी को धन का और मां को अपने बेटे से जितना, ये तीन मोह, तीन प्रेम, तीन आसक्तियां कंबाइंड हो जाए और भगवान की तरफ डायरेक्ट हो जाए, इतना अच्छा इंटेंस प्यार, विरह योग। उसके बाद में साथ वाला योग, अनुभव करना बाबा मेरे साथ है, मैं जहां जा रहा हूं वो साथ में जा रहा है, मैं वहां से जा रहा हूं वहां से वो जा रहा है। इसलिए महावीर के लिए दिखाया है, महावीर जब कांटों पर नंगे पांव चलते थे तो कांटे भी मुड़ जाते थे, जब मोहम्मद पैगंबर रेगिस्तान में चलते थे तो ऊपर से बदलिया बादल जैसे उनको छाव देती थी, पर दूसरों को दिखता नहीं था, वो केवल उनको अनुभव होता था। तो ये अनुभव, तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आसपास हो, आते नजर नहीं पर साथ हो। अगला, पुकार, पुकार रहे उसको, ये भी योगी है, बाबा 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 ये थोड़ा भक्ति टाइप वाला है,
पर है तो वो पुकार उसकी उसको ही रहे ना, किसी देवी देवताओं को तो नहीं पुकार रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुझे ढूंढू कहाँ, तुझे ढूंढू किधर। अगला, उपकार उपकार तुम्हारे ओ बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने क्या पाया है कैसे मैं समझाऊं। गीत है ना, उपकारों को याद कर रहे, तूने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, हम कहां थे कहां आ गए, और गदगद हो रहे। उसके बाद में उल्हाने वाला योग, स्वीट कंप्लेंट्स, बहुत सी कंप्लेंट्स है, ये तो सबसे ज्यादा यही चलता होगा अमृत वेला, आपको भी तो समझना चाहिए, बहुत सारी बातें हो सकती। फिर नशे वाला, एकदम नशे में चूर हो गए। उसके बाद में सताने वाला, ये और वो विरह, विरह थोड़ा बहुत ज्यादा इंटेंस है, ये भी सताने वाला, जैसे माँ होती है उसको बेटे की याद सताती है, कोई साथी है कोई प्रेमी है उसको अपने प्रेमी की याद सताती है, कब जाके मिलूं उससे, बाहर हो फूल बरसाओ, वो महबूब की तलाश है खोज है। अगला, जिद, तुमको ये करना ही पड़ेगा, फिर वो कुछ भी हो। वो बहन सुनाती ना हॉस्पिटल वाली हमारी, बाहर घूमने गई नक्की तो देखा पानी पूरी, सीधा कुटिया में कहीं बाबा के, अगर आज योग नहीं आज पानी पूरी अगर तुमने नहीं दी, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग। उसी दिन पानी पूरी थी सीधा बाबा को बोल दिया तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग अब देख लो तुम भगवान घबरा गए जिद, और लास्ट पश्चाताप वाला योग, आत्मा के हाथ से विकर्म हो गया है, पाप हो गया है, सब कुछ जानते हुए सब कुछ समझते हुए दूसरों को सिखाते हुए विकर्म हो गया, पश्चाताप कर रही, माफी मांग रही, माफी योग, पश्चाताप योग, प्रायश्चित योग। तो ऐसे ये 21 प्रकार है, और तो बहुत हो सकते हैं, वो याद के तो 70 है हमारे पास लिस्ट, जो पिछली, हाँ जो भी, तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये थी पहली मुरली। दूसरी मुरली में बाबा ने ये जो मुरली है इसमें कहा है, क्या बनो तुम, सिद्धि स्वरूप बनो। और ये एक वरी ट्री है, इसमें कहा ना टेंशन, तो ये टेंशन ट्री, सबसे पहले क्या करना है, अपनी कौन, ब्राह्मणों को हर व्यक्ति को अपना टेंशन नोटिस करना है कि मुझे कौन सी चीज है जो चिंतित, जिससे मैं चिंतित हूं, पॉइंट नंबर वन, ये चीज मुझे टेंशन दे रही है। दूसरा, आस्क व्हाट इज वरिंग मी, पहले तो नोटिस कर लिया कि हाँ ये है, फिर एग्जैक्टली क्या है वो, फिर सोचो कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, ये जो चिंता है ये जो टेंशन है, जैसे कोई निंदा कर रहा है कोई अपमान कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, या तो कोई फाइनेंशियल समस्या है या संबंधों की कोई समस्या है, कुछ भी, कोई तो टेंशन है कोई तो वरी है कोई तो चिंता है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, उत्तर है कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ नहीं कर सकता छोड़ो उसको, अब क्या कर सकते हो, लेट द वरी गो, दूसरे बार कुछ और चीज के बारे में सोचो, फिर थिंक अबाउट समथिंग एल्स। अब बारिश ही कंटिन्यूअस आ रही है, क्या करोगे तुम, कुछ कर सकते हो, बारिश रुक जाए चलो बैठ के डिस्कशन करते हैं बारिश को रोकने का, टाइम वेस्ट, लेट इट गो, दूसरे बारे में सोचो, अभी ये हो गया एक। दूसरा, अगर उसके बारे में कुछ कर सकते हो उस चिंता के बारे में, तो कोई प्लान बनाओ। ये क्या है, व्हाट व्हेन हाउ, कैसे, अगर ना अभी करना है तो कर लो और वरी को जाने दो, कर लिया ना ठीक, अगर अभी नहीं बाद में करना है तो डिसाइड कब करना है, और उसको तब तक के लिए छोड़ दो, तब तक के लिए दूसरा काम करो, वरी टाइम को डिसाइड करो, वरी टाइम, चिंता का समय जो है ना, अभी नहीं करूंगा, मेरा चिंता करने का समय है 5 से 6 बजे का, उस महीने में मैं चिंता करूंगा, तो चिंता तुम अभी जाओ, तुम 5 बजे आना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा टाइम सेट किया है, 5 से 6, अभी का नहीं, अभी मुझे योग करना है, अभी क्लास सुनना है, अभी मुरली चिंतन करना है, होमवर्क करना है, चिंता मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं,
चिंता चिंतन के, वो एक अलग पॉइंट है, पर यहां वरी टाइम फिक्स कर लो, चिंता तो करेंगे पर कब, अपने टाइम पर, पोस्टपोन कर दो उसको, और उसके टाइम निर्धारित, स्टिपुलेटेड टाइम, उस टाइम पे करेंगे। तो इसको कहते हैं वरी ट्री, वरी टाइम। तो जो कर सकते हो तुरंत करो, जो बाद में करना है उसको लेटर अभी तक के लिए छोड़ दो, और जो कुछ कर ही नहीं सकते, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, छोड़ो उसको, दूसरा सोचो। ये है वरी ट्री। तो ये हो गया वरी ट्री। अभी ये जो दूसरी मुरली है, इसमें बाबा ने कहा है आत्माएं आह्वान कर रही है, किसकी, किसका आह्वान कर रही है, तुम्हारा आह्वान कर रही है। कौन सी आत्माओं का, विश्व कल्याणकारी आत्माओं का, दानी आत्माओं का, शक्तियों का, बाप का भी आह्वान कर रही है काल के रूप में, पर उसके साथ शिव शक्तियों का। और तुम्हारा कौन सा रूप चाहिए, प्रेम वाला रूप चाहिए, सिद्धि स्वरूप आत्माओं का आह्वान हो रहा है। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो, विधि नहीं सिद्धि। और हमने लास्ट भट्टी में, नूतन क्रांति भट्टी में 26/6/74 की विवरणी में ब्राह्मणों की सिद्धियां देखी थी, याद है, 12 सिद्धियां इधर लिखी है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। वो मुरली थी 26 जून 1974 की। इस मुरली में वो सिद्धियों का लिस्ट नहीं है, पर हमने निमोनिक में वो डाल दिए थे, लोकेशंस में। सबसे पहला था हमारा, पहली सिद्धि निरोगी काया करने की, निरोगी काया बनाने की सिद्धि। कहाँ डाला था हमने, शांति स्तंभ पर। तो शांति स्तंभ पर जैसे हमने क्लिनिक खोल रखा है, क्या खोल रखा है, क्लिनिक। तो शांति स्तंभ पर क्लिनिक खोल रहा है, और हम आत्माओं को क्या कर रहे हैं, वहां पर ठीक कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की सबसे पहली सिद्धि कौन सी है, निरोगी काया, निरोगी बनाने की सिद्धि। दूसरा, हिस्ट्री हॉल में एक सिद्धि थी, वो थी 5 तत्वों को वश में करने की सिद्धि, ये हमारे पास है, ये दूसरी सिद्धि। तीसरी सिद्धि थी बाबा के कमरे में निर्बल को बलवान बनाने की सिद्धि। चौथा, कुटिया में, कुटिया में निर्बल को बलवान, और बाबा के कमरे में जो निर्धन है उनको धनवान बनाने की सिद्धि। याद आ रहा है, पुरुषोत्तम भाई को याद है, सब इमर्ज हो रहा है, लोकेशंस पे डाला है ना, तो भूलेगा नहीं, पर उसको रिवाइज करना होता है। तो तीसरा नंबर पे जो निर्धन है उनको धनवान, कुटिया में जो निर्बल है वो बलवान। पांचवा, संकल्पों को वश में करने की सिद्धि कुटिया में। रिसेप्शन में 5 विकारों को वश में करने की सिद्धि। सातवा, ओम शांति भवन में त्रिनेत्री बन आत्माओं को क्या, दृष्टि, त्रिनेत्री बन नेत्र, त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि आत्माओं को। बाजू में मूर्छित को सुरजित बनाने की सिद्धि। लाइब्रेरी में ठिकाने लगाने की सिद्धि, भटकती आत्माओं को ठिकाने लगाना। मेडिटेशन हॉल में लंबी आयु, लंबी आयु देने की सिद्धि। डिस्पेंसरी अकाले मृत्यु, और आपका प्रश्न भी था अकाले मृत्यु बनाना, ऐसे था ना, मेडिटेशन और इसमें लंबी आयु वाला कौन सा है, लंबी आयु बरबर है, लंबी आयु मेडिटेशन, और अकाले मृत्यु से बचाने की जो सिद्धि है आपने डाला था बचने की, और वो गलत हो गया था, बचाने की। तो वो था डिस्पेंसरी में अकाले मृत्यु से बचाने की, और लास्ट था ताज और तख्त दिलाने की सिद्धि। तो ये सब क्या है, ब्राह्मणों की 12 सिद्धियां, इनको रिवाइज करते रहना, अपने आप को याद दिलाना। मेरी पहली सिद्धि कौन सी है, जो निरोगी है, जो रोगी है उसको निरोगी बनाना, यह सिद्धि के रूप में प्राप्त है। और जब रोगी को कोई वैद्य ठीक करता है तो दवाई कम ठीक करती है, जो वैद्य है उसकी भावना क्या है देने के पीछे, वो उस रोगी को ज्यादा ठीक करता है। एक दूसरी सिद्धि, 5 तत्वों को वश में, फिर जो निर्धन है उनको धनवान, जो निर्बल है उनको बलवान, जो संकल्प है उनको वश में करने की, 5 विकारों को वश में करने की, आत्माओं को त्रिनेत्री बनाने की, आत्माओं को मूर्छित से सुरजित बनाने की, जो भटकती हुई आत्माओं को उनको ठिकाने लगाने की, अकाले मृत्यु से बचाने की, लंबी आयु की अकाले मृत्यु से बचाने की, और ताज और तख्त दिलाने की। तो ये सब क्या है, हम ब्राह्मणों की सिद्धियां।
तो ये थी दो मुरलियाँ, ठीक है। इसमें और वही सारी बातें हैं, चेकिंग करो, ऐसा करो, तुम में वो सब नहीं होना चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्माएं तुम्हारे पास आ रही है हलचल से बचने के लिए। तो अंदर कितना अचल अडोल अपने आप को बनाना है। लास्ट ये जो मुरली है 2-8, इसमें से आपको 21 सोमान निकालने हैं। जैसे कल सबने क्या किया था, टॉपिक्स निकाले थे अच्छे, देखे सबके टॉपिक्स, बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स निकाले सबने। तो आज इस मुरली से क्या करने हैं, 21 सोमान, और मुरली से होने चाहिए वो, बाकी आप आगे पीछे कर सकते हो। मैं डैश हूं, तो वो जो डैश है वो मुरली से आएगा। तो ऐसे कितने सोमान निकालने हैं, 21। तो आज का होमवर्क नंबर 1 ये 21 सोमान, होमवर्क नंबर 2 ये जो दूसरी मुरली थी उसमें हमने देखा याद के 21, योग के 21 प्रकार, और उसी में, और जो तीसरी मुरली है, और वरी ट्री, ये दो बातें, और तीसरी मुरली जो है इसमें हमने देखा ये 12 सिद्धियां। फिर से उनको एक बार रिवाइज करो, याद कर लो, और योग में इनका प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे संसार में रोगी आत्माएं हैं, हम जिसको दृष्टि दे रहे, हाथ लगा रहे, वो निरोगी हो रहा है। निर्धन आत्मा है, धनवान बन रही है, क्योंकि धन की कमी बहुत बड़ा कारण है दुख का। आत्माएं शक्तिहीन है, हम शक्ति दे रहे, संकल्पों को वश में कर रहे, पाप तत्वों को वश में कर रहे, नेत्रहीन है उनको नेत्र दे रहे, भटक रही है, भटक अकाली मृत्यु से बचा रहे, लंबी आयु दे रहे, ये सारे काम कर रहे हैं, ताज तख्त नशीन बना रहे। इन सिद्धियों को विजुअलाइज करना है तो ही वो योग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज का ये सारा 3 होमवर्क, पहला 21 सोमान, दूसरा वरी ट्री बनाना और वो 21 प्रकार के योग, तीसरा 12 सिद्धियां। अच्छा, ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धार छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां मैं तुमसा कहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम से हो जाए ये विमल जहां। मन के मधुबन में तुम चले आओ,
मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।